और केंद्र सरकार देश में परंपरागत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के साथ स्वदेशी गौ संवर्धन पर भी ध्यान दे रही है ताकि गौधन के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए गौधन के बाई प्रोडक्ट्स का सदुपयोग हो, इसके लिए केंद्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम राज्य मंत्री गिरिराज सिंह काफी गंभीर हैं। गिरिराज सिंह ने अपने मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान वर्धा के वैज्ञानिकों को गौधन पर शोध कर नवाचार से किसानों की आमदनी बढ़ाने की जिम्मेदारी दी है। मंत्री के विजन से प्रेरित होकर इस संकल्पित करने के लिए यहां के वैज्ञानिक डॉक्टर कर्म राज यादव ने गौमूत्र बालों के मिक्सर से शोध परक एमिनो एसिड मिक्सर तैयार किया है। इस एमिनो एसिड मिक्सर की कृषि फसलों पर छिड़काव से 20 से 25% तक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। सितन अगर इस तकनीक को खुद अपनाते हैं तो सालाना 50 से 60 हज़ार की आमदनी भी होगी। गौधन के बाई प्रोडक्ट के सदुपयोग की इस शोध परक सफल कहानी के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान वर्धा के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं उप निदेशक डॉक्टर कर्म राज विद्या यादव से। केंद्र सरकार स्वदेशी गो संवर्धन को बढ़ावा देकर किसानों की आमदनी में इजाफा करने की दिशा में काम कर रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार के महात्मा गांधी प्रौद्योगिकरण संस्थान वर्धा द्वारा कई तरह के प्रयास और इनिशिएट्स लिए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक इनिशिएट्स है गायों के मूत्र और बालों से अमीनो एसिड मिक्सचर बनाना। इस काम को अंजाम दे रहे हैं वहाँ के वैज्ञानिक डॉक्टर कर्मराज यादव। कर्मराज जी, स्वदेशी गौ संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए सरकार तो आगे बढ़ी रही है, आपने सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है। किस तरह से अमीनो एसिड मिक्सचर आप बनाते हैं, इसका क्या फार्मूला है? इसकी जो है ना एक प्रक्रिया है, सबसे पहले इसको जो है ना गाय के गौमूत्र और बालों को जो है ना उसका मिश्रण बनाते हैं और बाद में उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको बॉयल करते हैं करीब 5 घंटे के लिए। 5 घंटे में ये पूरा प्रोटीन्स कैरेटिन प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद उसको उसका पीएच एडजस्ट करते हैं। पीएच एडजस्ट करने के बाद उसको डिकलराइजेशन करते हैं। डिकलराइजेशन के बाद उसका फिल्ट्रेशन करते हैं, फार्मुलेशन करते हैं। फार्मुलेशन करने के बाद ये प्रोडक्ट जो है ना तैयार हो जाता है और ये प्रोडक्ट में जो है ना करीब 7 से 8% जो है ना उसकी टोटल नाइट्रोजन है, 5 से 6% अमोनिकल नाइट्रोजन है, 8 से 10% ऑर्गेनिक कार्बन है और उसमें ट्रेस एलिमेंट्स हैं। इस तरीके से ये जो है ना प्रोडक्ट 1 kg बाल से करीब 3.5 लीटर बनता है और इसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन करीब 50 से 60 रुपये पर लीटर है और ये फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है। अभी तक जो मार्केट में प्रोडक्ट उपलब्ध हैं उसमें इस तरीके के अमीनो एसिड्स और ट्रेस एलिमेंट का सम्मिश्रण नहीं है, तो इसको इसलिए डेवलप किया गया है कि जो काऊ यूरिन और बाल ह्यूमन हेयर हो या पोल्ट्री फीडर्स हो वो अभी तक बेस्ट जा रहा था, तो हमारे संस्थान ने इस पर जो है ना प्रयास किया है और इस प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए हमें करीब 2 साल लग गए और इसका हमने पेटेंट भी लिया है और ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में लाने के लिए तैयार है और ये हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको जो है ना जितनी जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाए ताकि जो है ना किसानों की आमदनी बढ़े और किसानों की लागत कम हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े जिससे किसानों को फ़ायदा हो। यही नहीं, इसके बहुत सारे दूसरे भी गुणधर्म हैं और इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए करीब 1 से 1.5 लीटर पर एकड़ लगता है। इसका कृषि में क्या उपयोग है और इसकी कितनी मात्रा उपयोग की जा सकती है, किस तरह उपयोग की जाती है और किस समय उपयोग की जाती है खेती में और कौन कौन सी फसलों में लाभकारी है? अभी तक जो हमने इसका बायोफिकेसी ट्रायल्स लिया है, जैसे काटन के ऊपर हमने ट्रायल लिया है CICR नागपुर में, तो 1.5 to 2 लीटर पर एकड़ डाइल्यूटेड इनटू 200 लीटर वाटर, तो उसमें हमें जो है ना 15 से 20% प्रोडक्टिविटी मिली है। वीट के ऊपर लिया है ट्रायल सेम रेशियो में, तो वहाँ पर जो है ना करीब 20% हमें प्रोडक्टिविटी मिली है और राइस के ऊपर 15 से 20%, तुअर के ऊपर जो है ना करीब 20 से 25%। इस तरीके से अलग अलग वेजिटेबल्स और हार्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर्स है उनके ऊपर भी हम लोगों ने ट्रायल लिया है और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं, हर जगह पर करीब 20 से 25% प्रोडक्टिविटी मिली है। किसान अगर इसको उपयोग करना चाहे या कमर्शियल तौर पे खुद इसको बनाना चाहे तो इसमें कितनी लागत आ सकती है और क्या क्या मशीनरी इसमें उपयोगी होगी?
अगर किसान इसको बनाना चाहे तो जो है ना उसके लिए पर डे जो है करीब 20 लीटर कैपेसिटी का यूनिट सफिशियंट होगा और उसकी लागत जो है ना करीब 80 से 1 लाख रुपए में जो है ना वो पूरा यूनिट लग जाएगा और वो कॉमर्शियली वाइबल यूनिट है। उसका जो है ना करीब 20 लीटर पर डे का यूनिट में जो है ना वो अच्छा खासा जो है ना 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ जो है ना कमाई कर सकता है। इस मशीन की कितनी लागत आ सकती है अगर कोई किसान परचेज करना चाहे, और सरकार की तरफ से क्या सब्सिडी का ऐसा कोई प्लान है या एमएसएमई मंत्रालय के तहत आप काम कर रहे हैं? एमएसएमई मंत्रालय के तहत जो पीएमईजीपी योजना है उसके तहत इसमें जो भी सब्सिडी है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। किसान अगर अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो 20 लीटर पर डे कैपेसिटी का जो है मशीन सफिशियंट है और उसकी कीमत जो है ना 50 से 60 हज़ार रुपये में वो मशीन लग जाएगी। तो महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर कर्मराज यादव, जिनका मानना है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि स्वदेशी गो संवर्धन को बढ़ावा दिया जाए। इससे किसानों को कम लागत में अधिक कृषि उत्पादन तो होगा ही, पशुओं के जो बाय प्रोडक्ट है उनकी बिक्री से उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा। कैमरामैन संजय जैना के साथ ओपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली।